तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में गाइस हमारे जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो गाइस कुछ कुछ हॉरर एपिसोडों की तरह जैसे गाइस वो हर एपिसोड की स्टार्टिंग में आते हैं वैसे ही दिखाए जाते हैं। एंड गाइस वो एक बेंच के ऊपर बैठे हुए होते हैं एंड देन गाइस हम सब लोग को उनके लेफ्ट साइड फेस की तरफ को जूम करते हुए दिखाया जाता है। एंड गाइस बैकग्राउंड पूरा गाइस बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सा होता है। एंड गाइस प्रिंसिपल सर जो होते हैं वो कहते हैं, क्या आप सभी लोगों के घर पर कभी एक ऐसा वाटरमेलन आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी हो जिसको आप सभी लोग उठा ही ना पाएं? एंड ऐसा वाटरमेलन कभी मेरे घर पर तो नहीं आया, बट अगर आपके घर पर आए या फिर आपको कोई देने आए तो उसे ना लें, क्योंकि ऐसा वाटरमेलन घर से बाहर निकलने के लिए आप सभी लोगों को मार भी सकता है। एंड देन गाइस हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि गाइस जो कीटा मोटो आंटी होती है उनके गाइस एक ट्रॉली में गाइस वो ले आती हैं सिंचन के घर के सामने एक बहुत बड़े वाटरमेलन को। एंड गाइस जो सिंचन उसकी जो मॉम होती है वो गाइस अपने घर के सामने गाइस साफ सफाई कर रहे होते हैं। एंड गाइस वहाँ पे कीटा मोटो आंटी आ जाती है एंड वो सभी लोग एक दूसरे को हाय हेलो कहते हैं। एंड उसके बाद कीटा मोटो आंटी सीधा कहती हैं, आप ये वाटरमेलन अपने घर पर रख लीजिए, मेरे पास पूरे के पूरे 10 आए थे, 9 हम लोगों ने खा लिए। और गाइस देन उसके बाद जो मिट्सी होती है वो कहती है, बट अभी हम सभी लोग सफाई कर रहे हैं, आप सभी लोग हमें बाद में दे जाइएगा। एंड देन गाइस जो कीटा मोटो आंटी होती है वो कहती है, सफाई मैं कर लेती हूँ, आप इस वाटरमेलन को अंदर लेके जाएं। एंड गाइस सिंचन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है तो गाइस मिट्सी को मजबूरन उस वाटरमेलन को तभी लेके जाना पड़ता है। एंड देन गाइस हम सभी लोगों को गाइस जो कीटा मोटो आंटी होती है उनका गाइस काफ़ी ज़्यादा स्केरी सा फेस दिखाया जाता है। एंड गाइस देन वो सब बहुत जल्दी जल्दी गाइस सफाई कर देती हैं बाहर की एंड वो गाइस हवा में ही गाइस एक स्मोक बनकर गाइस गायब हो जाती है। मतलब गाइस वो एक्चुअली में कोई सोल थी ना कि कीटा मोटो आंटी। एंड देन गाइस हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि गाइस वो जो वाटरमेलन होता है वो गाइस अंदर चला जाता है उन लोगों के साथ में। एंड गाइस जो मिट्सी होती है वो उसको लेकर जा रही होती है बट गाइस वो उसे उठा नहीं पा रही होती। एंड गाइस कीटा मोटो आंटी के लास्ट वर्ड्स गाइस हम सभी लोगों को बताए जाते हैं कि अब देखना ये वाटरमेलन इनके साथ क्या करता है। एंड देन गाइस हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि गाइस जो मिट्सी होती है वो उस वाटरमेलन को अंदर लेके जाते जाती गाइस थक जाती है एंड कहती है, ये वाटरमेलन तो काफ़ी ज़्यादा भारी है, मुझे लगता है हमें इन्हें वापस तो नहीं देना चाहिए पर शायद बाहर फेंक देना चाहिए। एंड देन गाइस जो सिंचन होता है वो कहता है, नहीं मॉम प्लीज़ जल्दी चलिए, इसको मैं काट के खाना चाहता हूँ। एंड देन गाइस हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि गाइस जो मिट्सी होती है वो कैसे भी करके सिंचन और हिमावारी की मदद से उस वाटरमेलन को किचन तक लेके आ जाती है। एंड देन गाइस वो एक चाकू निकालती है एंड उसको काटने ही लग रही होती है। एंड गाइस तभी जो सिंचन और हिमावारी होती है वो उनके ऊपर चिपक जाते हैं। एंड गाइस वो जो वाटरमेलन होता है वो कुछ शॉक वेव्स को छोड़ता है एंड वो दोनों कहते हैं, नो ही मॉम इन दोनों इसको मत काटो, प्लीज़ इस वाटरमेलन को मत काटिए, कितना प्यारा है। एंड उसके बाद सिंचन की मॉम उसे कहती है, अभी तो तुम्हें ये खाना था, अब क्या करना है इसका। एंड उसके बाद जो सिंचन होता है वो कहता है, अगर मॉम ये नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, इतने से चाकू से ये नहीं कटेगा, इसको प्लीज़ आप बाहर फेंके आएँ। मीन्स गाइज उस वाटरमेलन ने सिंचन और हिमावारी के साथ कुछ किया है। एंड देन गाइज हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि गाइज जो मिट्सी होती है वो गाइज किचन का एक ड्रॉर को खोलती है एंड गाइज वहाँ पे काफ़ी सारे यूटेंसिल्स रखे हुए होते हैं। एंड गाइज वहाँ पे हम सभी लोगों को एक हैंडल सा दिखाया जाता है जिसको खींचने पर मिट्सी के पास एक बहुत बड़ा सा चाकू आ जाता है और मिट्सी कहती है, देखना इस चाकू से ही एक स्लाइस में कट जाएगा एंड हमें इसे बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड देन गाइज जो मिट्सी होती है वो गाइज उस वाटरमेलन को गाइज पकड़ लेती है अपने हाथ में, डेस्क पर रख देती है एंड कहती है, ये लो अब वाटरमेलन कटा। बट गाइस तभी गाइस जो वाटरमेलन होता है वो गाइस वापस से कुछ शॉक वेव्स को छोड़ता है एंड गाइस जो सारा का सारा जो टाइम होता है वो गाइस रुक जाता है। एंड गाइस जो मिट्सी होती है उसके हाथ से वो जो चाकू होता है वो गाइस गायब हो जाता है। एंड गाइस वो तब तक शॉक वेव्स जब तक छोड़ रहा होता है तब तक कुछ भी नहीं हुआ होता। एंड देन गाइस जैसी शॉक वेव्स ख़त्म होती है तभी वो सब लोग हिलने लग जाते हैं एंड कहते हैं, अरे ये चाकू कहाँ गया। एंड देन गाइस उसके बाद जो मिट्सी होती है वो कहती है, पर तब भी हम इसे बाहर नहीं फेंक सकते, हमें इसे फोड़ना ही होगा, हम इसे फोड़ के खा लेते हैं। एंड देन गाइस हम सब लोगों को दिखाया जाता है कि गाइस जो वाटरमेलन होता है वो फिर से शॉक वेव्स छोड़ता है। एंड देन गाइस हम सब लोगों को दिखाया जाता है कि गाइस वो जो चाकू था वो गाइस सिंचन के हाथ में आ जाता है। एंड गाइस सिर्फ और सिर्फ जो टाइम था वो बाकी सब लोगों के लिए रुक चुका था मिट्सी और सिंचन को छोड़कर।
इवन हिमावारी के लिए भी, जो कि गाइस अपने गाइस गार्डन में खेल रही थी उस टाइम पर। एंड देन गाइस अंशुलू को दिखाया जाता है कि गाइस जो सिंचन होता है वो गाइस मिर्ची की तरफ को बढ़ रहा होता है, एंड उस चाकू को उसने अपने हाथ में पकड़ रहा होता है। एंड गाइस वो स्लाइसिंग पोजीशन में उसने उस चाकू को अपने हाथ में रख रखा होता है। एंड गाइस अंशुलू को ऐसा दिखाया जाता है कि गाइस जो वाटरमेलन है उसने सिंचन को पोजेस कर रखा होता है। एंड जो सिंचन होता है वो कहता है, रुको मिर्ची, अब तुम्हें पता चलेगा कि वाटरमेलन जब कटता है तो उस वाटरमेलन को कितना दर्द होता है। एंड गाइस तभी जो मिर्ची होती है वो गाइस ना आगे हिल पा रही होती है ना पीछे की तरफ को। एंड गाइस सिंचन ऑलमोस्ट मिर्ची के ऊपर वो चाकू चला चुका होता है, बट गाइस एकदम से जो हमारी जो हिमावारी होती है उसके ऊपर गाइस एक पैंट्स आ जाती है जहाँ पे वो रुकी हुई होती है। एंड गाइस उससे उसका जो टाइमलाइन होता है वो खुल जाता है, क्योंकि उसको गाइस काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही होती है। एंड गाइस वो हिलना स्टार्ट हो जाती है। एंड गाइस उस पैंट्स की वजह से हिमावारी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। सो गाइस वो किचन की तरफ को जाती है। एंड गाइस वहाँ पे जिस डेस्क पर वो जो वाटरमेलन था वो रखा हुआ होता है, वहाँ पर गाइस उसके एक पैर पर गाइस अपना सर मार देती है। एंड गाइस उस डेस्क से वो नीचे गिर जाता है। एंड देन गाइस वो जो वाटरमेलन होता है वो बिल्कुल चार शेप में कट जाता है। एंड देन गाइस सब कुछ ठीक हो जाता है। एंड मिर्ची देखती है कि क्या वाटरमेलन काटा है सिंचन ने, क्योंकि सिंचन के हाथ में ही चाकू था। एंड सिंचन कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। एंड गाइस यहीं पे एपिसोड मिस्टीरियसली एंड हो जाता है।